अहमदाबाद में। मैंने ये बड़ा मजे का एरिया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? सब खैरियत से हैं भाई? हम लोग अभी जा रहे हैं ANN किचन, देखते हैं भाई वहाँ पर क्या होता है। सुना है इसका रोल जो है आपका चिकन रोल बहुत ज़बरदस्त, जिस तरह सिल्वर स्पून पाकिस्तान का होता था वैसा है। तो कल मुझे सुना था, मेरे दोस्त एक बता रहा था, तो मैंने कहा चलो डिसाइड किया कि चलते हैं जाके ट्राई करते हैं कैसा है। चलते हैं फिर, हाईवे 6 के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। भाई हम लोग पहुंच गए हैं ANN हलाल किचन। यहाँ का जो है असल में यहाँ पर एक उनके मेन्यू में बकायदा है कि सिल्वर स्पून बिहारी कबाब रोल। देखें यहाँ पर बड़ा बड़ा खूबसूरत किस्म का हुआ है, क्या ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई बिल्कुल छोटा सा सेटअप है, बहुत ही छोटा सा और अच्छा सा लग रहा है, ब्यूटीफुल। और ये लोग जो है ना अभी एक साल ही हुआ है खोल के इसको, तारीफें काफ़ी सुनी है इनकी। जो इनका एड्रेस है ये एक्चुअली 12925 वेस्ट बेल्फोर्ट के ऊपर है, और शुगरलैंड के अंदर है ये। थोड़ा सा अंदर जाके हाईवे 6 से आप वेस्ट बेल्फोर्ट पे मुड़ेंगे ना, राइट साइड लेंगे अगर आप शुगरलैंड मेन शुगरलैंड से आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदर तकरीबन 2 माइल अंदर जाके ये रेस्टोरेंट है, रिलेटिवली न्यू रेस्टोरेंट है, एक साल हुआ है। अब इनका खाना ट्राई करते हैं, फिर पता लगेगा कैसा। हाँ जनाब, यहाँ पर जो है इनके पास ऑलमोस्ट सारा ही किस्म का मेन्यू है, इंग्लिश मेन्यू भी है और देसी मेन्यू भी है। देसी मेन्यू के अंदर यू नो बिहारी रोल, चिकन और बीफ का है, इसके अलावा निहारी है, इसके अलावा इनके पास मछली है, इनके पास बिरयानी भी नज़र आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो और यहाँ पर जो है हमने अपने बिहारी रोल ऑर्डर किए हैं, चिकन और बीफ का, और उसके अलावा एक जिंगर बर्गर किया है, ठीक है, बच्चों के लिए, और जायरो का प्लेटर किया है चिकन का, और इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके पास डीप फ्राइड चिकन भी है, फ्राइड चिकन और राइस वगैरह भी है। हाँ जनाब, अभी जो है ना कुछ इनके यहाँ के ओनर से बात डिस्कशन की है, ये लोग मूव हुए हैं न्यूयॉर्क से। तो न्यूयॉर्क में इनका जो है फास्ट फूड का बिज़नेस था, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने जो ना बहुत सब चीज़ें रखी हुई हैं, देसी बताया, इस तरह पहले बताया मैंने कि देसी भी है, कॉन्टीनेंटल भी है, सब तरह का फूड है। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि इनकी जो ना इनके पास बिरयानी जो है ना बड़ी स्पेशल है, नली बिरयानी भी इनके पास मौजूद है, वो किसी और दिन हम आगे ट्राई करेंगे। लेकिन जो है ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना हमारी दिस इज़ स्पेशलिटी हेयर, तो मस्ट ट्राई वाली चीज़ है यहाँ पर, ये कह रहे हैं। तो बहरहाल मतलब जो है इनके पास बहुत वैरायटी नज़र आ रही है यहाँ पर खानों की, और सिर्फ एक साल पुराना है। देखते हैं, भी ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं आपको। हाँ जी, ये एक और बात उन्होंने बताई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग जितनी भी जो चिकन वगैरह आती है वो ज़बिया हलाल और हैंड कट होती है। उन्होंने इनके जो ओनर ने मुझे एक्सक्लूसिवली यही बात बताई है। तो अगर आप जो लोग इस चीज़ के बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं इन चीज़ों के ऊपर, वो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। चावलों में, चिकन में और बीफ में ना फ्लेवर बहुत ही मज़े आ रहा है। ऊपर चटनी डली हुई है, वो भी बहुत मज़े की टेस्ट दे रही है, कोई ज़रा मिर्चे नहीं है, लेकिन टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा भर के आ रहा है। आई लव द टेस्ट, बहुत मज़े का है। मैं तो तकरीबन 10 में से 8 नंबर दूंगा, बहुत नाइस बना हुआ, बहुत टेस्टी है, इट्स गुड। ये बीफ भी आ रही है, हमने सिंगल लिया है, असल में कॉम्बो के अंदर जो है 2 रोल्स आते हैं, और रोल का साइज़ इज़ गुड एक्चुअली, ठीक है। ये सिल्वर स्पून का है जो स्टाइल रोल ये कह रहे हैं, ये देखें पराठे के अंदर बना हुआ है, इसमें बीफ है
पूरी पराठा है, जिंदाबाद। मैंने ये बड़ा मजे का फिर। हाँ जी, इनका जो है जिंगर बर्गर ट्राई कर लें भाई। वो लेयर्स ऊपर देखें, लेटस, चिकन, डीप फ्राइड चिकन है, चीज का स्लाइस है, ऑनियन रिंग भी डला हुआ भाई इसके अंदर। गुड, दिस इज ऑल्सो गुड, आई लाइक इट। तो ये जो है चिकन ओ राइस है, तो उसको भी ट्राई करते हैं। ये करीब तरीन होगा क्योंकि वहाँ पर मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है, बट अगेन आई एम डूइंग इट। I added the fourth piece, olive. This is also good. Mazega. Making the beef taste, because mixture is a combo. वो और put के taste आ रहा है उसके साथ। ये भी मजेगा। हाँ जी, chicken का जो है बिहारी roll है। मैंने आपको पहले बताया कि ये combo मैंने मंगवाया था, इसमें जो है 11.99 में दो rolls हैं इसके अंदर। साइज इज रीजनेबली गुड। सो मैं खोल लूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसको भू हुआ है। इसका टेस्ट जो है ना बहुत मज़ेगा। मेरे पास जो पूरी पराठा जो है वो तो उसको इन्हेंस कर देता है टेस्ट को बहुत ज़्यादा। इसके अंदर जो प्याज तली हुई है उस पर अलग लग रहा है, इस तरह से खटास में डिप हुई हुई है। तारिक रोड की तरह का है वो, वाचा है कि नहीं है लेकिन है मज़े का ये। दैट्स द बॉटम लाइन। इट्स वेरी गुड। इट्स वेरी गुड। बिहारी रोल तो बहुत बहुत इससे ज़्यादा मज़े का है। जो बीफ बिहारी है ये भी लेकिन बहुत मज़े का है। इट्स वेरी वेरी गुड। बीफ बिहारी जो है मैं उसको 8.5 और उसको 8 दूंगा। वेरी गुड। और कमाल ये कि इसके अंदर ज़्यादा तेज नहीं है, मतलब जो है ना तेल ऐसा नहीं है कि ड्रिप हो रहा है कुछ हो रहा है, बिल्कुल ड्राई है पराठा। हाँ जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने फिनिश कर लिया है। ए एन हलाल किचन, अगेन बोल रहा हूँ ठीक है, इस पर लेट मी कैटेगराइज दैट। ओके, एम्बियंस, एम्बियंस इज स्मॉल बस ब्यूटीफुल। मेन्यू ह्यूज, कॉन्टिनेंटल भी है, देसी भी बहुत ज़्यादा है ठीक है। तो और इनका जो ओरिजिन है वो एक्चुअली न्यूयॉर्क का था और अभी एक साल पहले इधर मूव हुआ। बिहारी कबाब जो इनका ये क्लेम करते हैं कि इनका जो एग्जैक्टली जो चिकन और बीफ दोनों इस तरह सिल्वर स्पून पाकिस्तान का है, तारिक रोड का एग्जैक्टली वैसा ही है ये। और टेस्ट इज़ रियली गुड एक्चुअली, आई लव द टेस्ट। मैंने जो है चिकन एंड बीफ बिहारी मंगवाया था और जायरो मंगवाया था विद राइस, उसमें बीफ एंड चिकन जायरो टुगेदर ठीक है, और उसके पास रेड एंड वाइट सॉस डली हुई थी, वो भी प्योर न्यूयॉर्क स्टाइल था एज दे सेड। टेस्ट वाज जस्ट अमेजिंग एज वेल। चिकन जायरो इज़ द सेम थिंग यू नो, बट बीफ नहीं था उसके अंदर, तो इट वाज आल्सो गुड। यू नो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ जो हमने मंगवाया था वो था आपका डीप फ्राइड जिंगर बर्गर, दैट वाज आल्सो गुड। तो ओवरऑल मुझे जो है ना एक जगह काफ़ी पसंद आई। आई वुड गिव 8.5 आउट ऑफ 10 ऑन एन एवरेज। दिस प्लेस इज़ प्रीटी नाइस।
सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस. ये थोड़ी सी अंदर की तरफ जगह है, ठीक है, बट थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपको हाईवे 6 से अंदर की तरफ आने के लिए, 2 माइल अंदर आने के लिए, लेकिन इट्स वर्थ कमिंग हियर. एक और चीज़ बता दूँ आपको कि इनकी जो प्राइसेज हैं वो बहुत ही बेहतरीन है. मतलब ये है कि जिस तरह से मैंने 2 बिहारी रोल जो 1199 के आए हैं, इट्स प्लस टैक्स ऑब्वियसली, तो बट द थिंग इज़ लाइक यू नो साथ उसके साथ एक सोडा भी साथ था इनका, ठीक है, जो है आप जो फ्री में था. तो इट्स प्रीटी नाइस ओवरऑल प्लेस. जो बिरयानी का उन्होंने मुझे बताया है कि भाई बिरयानी इनके पास दिल्ली बिरयानी है और निहारी भी है, और जो बाकी ऑब्वियसली बिरयानी भी है इनके पास, लेकिन जो उनका जो मेन बहुत मज़े की चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये दिल्ली बिरयानी है, ज़रूर ट्राई करें. मैंने आज तो ट्राई नहीं की, लेकिन मैं किसी और दिन आऊँगा दोपहर के वक्त और इंशाल्लाह ट्राई करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत खाली है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर चुका है. क्या मैं अपना क्लोज़ कर रहा हूँ वीडियो को. अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, इतना कर सकते हैं. ओके, फिर अल्लाह हाफिज़.